मियां खलीफा ने अफवाह उड़ाई थी तभी थोड़ी सी जनता आई थी, किसान महापंचायत पर बोले बीजेपी के प्रवक्ता। नमस्कार, मैं मोनाली पांडे और आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज 28। यूपी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने राकेश टिकैत के एक ट्वीट पर लिखा कि 20 लाख का दावा कर रहे थे लेकिन 20,000 भी किसान नहीं जुटा पाए। 4 फोटो ट्वीट किए हैं और चारों में खुद का ही चेहरा दिखा रहे हैं। कृषि कानूनों के खिलाफ किसान आंदोलन की अगुवाई कर रहे राकेश टिकैत ने कल यानी रविवार को मुजफ्फरनगर में आयोजित किसान महापंचायत को संबोधित किया। मंच पर टिकैत ने बीजेपी के साथ ही यूपी और केंद्र सरकार पर भी हमला बोला। टिकैत ने भारतीय जनता पार्टी को दंगा कराने वाली पार्टी कहा और साथ ही बीजेपी को सत्ता से उखाड़ फेंकने की भी बात कही। वहीं बीजेपी ने भी राकेश टिकैत के इस ट्वीट पर पलटवार किया। यूपी बीजेपी के प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने राकेश टिकैत के ट्वीट को रीट्वीट करते हुए लिखा कि 20 लाख का दावा कर रहे थे लेकिन 20,000 भी नहीं जुटा पाए। 4 फोटो पोस्ट की और चारों में खुद ही नजर आ रहे हैं। मियां खलीफा ने अफवाह उड़ाई थी इसीलिए शायद थोड़ी सी जनता आई थी, लोग आए और नाराज होकर चले गए। यूपी के बीजेपी प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने ये हमला राकेश टिकैत के ट्वीट को रीट्वीट करते हुए किया। अपने ट्वीट में टिकैत ने लिखा था कि जम्मू कश्मीर से लेके केरल तक के 20 लाख किसानों ने मुजफ्फरनगर पहुंचकर तानाशाह सरकार को फिर से सर्टिफिकेट दे दिया है कि जिन्हें वो मुट्ठी भर किसान कहते हैं वो पूरे देश के किसान हैं। राकेश त्रिपाठी से पहले यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने भी किसान आंदोलन को लेकर तंज कसा था। किसान आंदोलन की तुलना उन्होंने नागरिकता संशोधन कानून को लेकर शाहीन बाग में चल रहे प्रदर्शन से की थी। कानपुर में आयोजित एक कार्यक्रम में मौर्य ने कहा कि किसान आंदोलन में किसान नहीं बल्कि सपा, बसपा और कांग्रेस के लोग शामिल हैं। जिस तरह से शाहीन बाग में चल रहे प्रदर्शन का टाइटाइफिस हुआ था, कुछ वैसा ही हाल होगा आखिर में किसान आंदोलन का। तो ये रहा रविवार यानी कल मुजफ्फरनगर में हुए किसान महापंचायत को लेकर ट्विटर पर चल रही राजनीति। एक तरफ राकेश टिकैत ने ट्वीट किया तो उसका पलटवार राकेश त्रिपाठी ने किया। आपका क्या कुछ कहना है इस पर? अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर लिखें। फिर से मिलूंगी एक नई वीडियो में कुछ नई घटनाओं और मुद्दों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।